और बेहद ही दुखद दर्दनाक एक सड़क हादसा अपने रिश्तेदारों की शादी में से आते हुए, ये आपस में दोस्त भी कह सकता हूँ, भाई भी कह सकता हूँ, चार भाइयों का इंतकाल हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसे में। सबसे पहला जनाजा जो आप रखे हुए देख रहे हैं ये फैसल का है, तकरीबन 24-25 साल की उसकी उम्र है, दो बेटियाँ, एक बेटी लगभग 5 साल की, एक बेटी 3 साल प्लस की, ये उसका जनाजा। इसके पीछे की तरफ जो आप रखे हुए देख रहे हैं वो जनाजा है राजा का, जिसकी उम्र 22-23 साल, और उसके पीछे जिसका जनाजा आप रखे हुए देख रहे हैं वो है नदीम, जिसकी उम्र महज 26 साल। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा दर्दनाक सड़क हादसा जो कि जीटी करनाल रोड पर हुआ चंडीगढ़ से वापस दिल्ली आते में, ये तीनों ही नंदनगरी के सी ब्लॉक C3 के रहने वाले हैं चारों। एक चौथा जो जनाजा है आज़म का, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका, लिहाजा वो बॉडी कल आनी है, लेकिन चारों के ही परिवार में जो गम और दुख का माहौल है वो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। बेहद अफसोस की बात, बेहद दुख के साथ आप लोगों को ये तस्वीर इस वक्त नंदनगरी C3 से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी शादी में गए थे, आज़म जिसकी चौथे की बॉडी अभी नहीं पहुँची है, कल पोस्टमार्टम के बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि बॉडी आनी है, चारों का इंतकाल हुआ। ये लोग एक रेनॉल्ट किविट कार में थे जिसे दिलशाद चला रहे थे, और दिलशाद अभी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, उसकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। ये पूरे इलाके के लिए, ये जितने आप लोग खड़े देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग, हर कोई बस इनका आखिरी दीदार करना चाहता है कि अचानक से एक नौजवान, दो नहीं तीन नहीं चार, एक इलाके से इस तरह से रुखसत हो जाएंगे, कोई नहीं सोच सकता था। क्योंकि जैसा मुझे बताया गया कि सलीम नदीम जो है, जिनके वालिद सलीम हैं, उनका कहना है उनका बेटा ये कुआरा था, उनका मंझला बेटा है ये, दूसरा राजा जिसकी उम्र मैं बता रहा हूँ 22-23 साल, माँ बाप का एक लौता लड़का था वो, और फैसल जिसका ये आप सबसे आगे पहला जनाजा रखा है देख रहे हैं, जिसकी दो मासूम बेटियां हैं, 2018 में इसकी शादी हुई थी, बाप की डेथ हो चुकी, और डेथ भी कब हुई थी, जब वो ये फैसल का रिसेप्शन था। परिवार पहले ही सदमे में दुख में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आप सोचकर देखिए ज़रा कि एक कार से ये लोग वापस शादी अटेंड करने के बाद चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंच रहे थे, तो जीटी करनाल रोड पर गन्नौर के पास में सड़क हादसा हुआ, और कुछ इस तरह से हुआ कि इनकी रेनॉल्ट किविट कार जो है वो उसका टायर बर्स्ट हो गया। और इस वक्त ये जो आप जनाजा देख रहे हैं दूसरे नंबर पर रखा हुआ, उन चार में से एक भाई ये है राजा, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कब आप लोगों को खबर मिली थी और पूरा एकदम वाकया क्या था? ये हमें खबर मिली रात को 1:30 बजे करीब आके, जैसे हमें पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, मगर हमें ये बताया नहीं था कि इनकी ये ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुके हैं, बस इतना पता था इनका एक्सीडेंट हुआ है। तो गाड़ी इतनी स्पीड से थी कि बर्दाश्त नहीं हो सका, कंट्रोल खो बैठी और टायर ब्लास्ट हुआ और ये सब हो गया? बस कुछ पता नहीं चला, ये गाड़ी चला रहे थे वहाँ से बरात से वापसी लौट रहे थे, रिटर्न आ रहे थे, आते आते बस टायर ब्लास्ट हुआ, गाड़ी एकदम अनकंट्रोल हो गई, सीधी गाड़ी जाकर डिवाइडर में टकराई जा गई है, डिवाइडर की जो सरिये होते हैं जो खड़े होते हैं सारे, वो दूर जाके गिरे, फिर वापसी गाड़ी बेक हुई, बेक हो गाड़ी घूमने उल्टी घूमी, फिर वापसी गाड़ी उसमें बस में आके लगी वोल्वो में, पीछे आके वोल्वो के ड्राइवर उतरा, उसने देखा जब ये तीन बंदे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो चुके थे, ये उन्होंने सबल निकाला, दरवाजे तोड़े उन्होंने, दरवाजे तोड़ के फिर इन तीनों को निकाला वहाँ से। और चौथे की कहाँ डेथ हुई है? चौथे की जब वो हॉस्पिटल था ही नहीं, वो सिर्फ डिस्पेंसरी थी, वो हॉस्पिटल नहीं था, वो कोई ज़्यादा केयर नहीं करी वहाँ डॉक्टर ने, और पुलिस भी कम से कम आधे घंटे के बाद आई है। इनका जो एक्सीडेंट हुआ था 12 बजे हो चुका था, कल रात 12 बजे। ये लोग दिल्ली से कब गए थे? ये लोग दिल्ली से ये फजर में निकले, सुबह 6 बजे करीब यहाँ से, कल संडे को। अच्छा, और वापसी रात को थी? वापसी रात को थी वहाँ से, शादी अटेंड कर चुके थे वहाँ से वापिस आ रहे थे। बाकी परिवार के लोग?
बाकी सब लोग बस में थे और ये दोस्तों के साथ थे, अपने फ्रेंड के साथ थे। तो ये चारों जो हैं, नदीम, राजा, फैसल और आज़म, जिनके चारों के इंतकाल हुए हैं इस सड़क हादसे में, ये रिश्तेदार भी हैं? जी हाँ, ये रिश्तेदार भी हैं। ये चाचा ताऊ के हैं, ये ताए का लड़का है, ये चाचा का लड़का है हमारा, और ये चाचा के लड़के हैं, बच्चे सारे हमारे, सब रिश्तेदार हैं आपस में। ये सब रिश्तेदार हैं। सोचिए, एक साथ चार जनाजे एक ही ख़ानदान के लोगों के लिए वाकई बेहद एक अजीब अलमिया है। और मुझे पिछले साल जिस तरह से सिलमपुर इलाके के अंदर हमने आप लोगों को तस्वीर दिखाई थी, एक नई थार कार लेकर के आए थे कुछ नौजवान लड़के, और वो लोग घूमने के लिए लद्दाख गए थे, और लद्दाख में ही उनका जिस तरीके से सड़क हादसा हुआ था, गाड़ी कई फीट गहरी खाई में चली गई थी, जो जिनका नाम रियाज, फिरोज, आज़म और जीशान है, वो भी अक्टूबर का महीना था, पिछले साल की बात है, और 20 अक्टूबर को उनको मदफून किया गया था उन चारों को। मुझे इन्हें देख कर के वही याद आ गया मंजर। नदीम के कोई रिश्तेदार हैं यहाँ अभी खड़े? नदीम के भाई हैं। आपको कब इत्तला मिली थी? गए थे वहाँ मौके पे? मौके पे गए थे। गाड़ी की क्या कंडीशन बताइए? गाड़ी तो पूरी चूरा हो चुकी थी। हाँ जी। गाड़ी थी किसकी है? गाड़ी उनकी, मोहम्मद जाकिर की। अच्छा, तो दिलशाद जिसको बता रहे हैं अभी, कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, वो अस्पताल में है, उसका क्या अभी इलाज चल रहा है, कहाँ पर है? पूरी नॉलेज नहीं मिल पाई पूरी तरह, जब तक वहाँ से कोई आएगा नहीं वो पूरी नॉलेज तो पता। नदीम के कहाँ कहाँ चोट थी? नदीम के एक तो सर में चोट, एक लेफ्ट हाथ में चोट, हैंड में। आप बड़े भाई हैं, आपसे छोटा था ये, और एक और भाई हैं? छोटा और इस, वो पढ़ता है, पढ़ा बी ए के। आपके घर से और भी लोग गए हुए थे शादी में? नहीं, पापा गए थे सर, वो बस से गए थे, बस। अच्छा। बस में अलग जा रहे थे, ये अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में गए थे। ये दोस्तों के साथ गाड़ी, दोस्त क्या भाई थे, और लगभग हम उम्र हैं, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 24-25-26 साल इनकी उम्रें, और फिर जिस तरह से ये सड़क हादसा हुआ उसने वाकई पूरे इलाके को, इस नंद नगरी को, लोगों को दहला कर रख दिया। मैं जहां तक समझ पाया, क्योंकि पुलिस अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया है कि गाड़ी की जो रफ्तार है वो खासी तेज़ थी, यानी जिस गाड़ी में ये थे, रेनॉल्ट क्विड में, वो थोड़ी तेज़ चल रही थी, और जाहिर है जब गाड़ी तेज़ होती है उसमें अचानक चलते में टायर फटता है तो इस तरीके का नियंत्रण नहीं खो बैठती है, बैलेंस ख़राब हो जाता है, गाड़ी डिवाइडर से टकराई और उसके बाद फिर एक बस से टकराई है, और वो बस जो है हरियाणा नंबर की बस थी, पंजाब नंबर की बस थी, और उससे जिस वक्त में टक्कर हुई बैक साइड से, तो आप सोचिए कितना तेज़ वो जर्क लगा होगा कि चारों नहीं बच सके। नदीम, राजा, फैसल और आज़म इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, और जबकि एक इनका जो पाँचवा कज़िन भाई है दिलशाद, वो अभी अस्पताल में है, उसकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। मैं कह सकता हूं कि ये शादी तो गए थे अटेंड करने, लेकिन वापसी इस तरह से एक दर्दनाक अलमिया सामने आएगा और ऐसी इनकी मौतें होंगी कोई नहीं समझ सकता था। परिवार के लोग जब ये जा रहे थे, मुझे ये भी पता लगा कि फैसल, जिसकी दो मासूम बेटियां हैं, उनकी पत्नी के बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं अपने शौहर को भेजूँ, लेकिन उन्हीं की गाड़ी थी। अब जब यार दोस्त और भाई साथ जा रहे हैं तो अक्सर यही होता है कि लड़का सोचता है कि मैं चला जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन बस हुआ क्या कि ये तमाम आप लोग देख रहे हैं, रिश्तेदार इनके अजीज़ व अकारीब यहाँ पर इनको देखने के लिए पहुँच रहे हैं। वाकई एक बड़ा ही पूरे इलाके के लिए, इस पूरे नंद नगरी के लिए एक दुख की ये घड़ी है। तमाम लोग इलाके के इनको आखिरी रुख्सती देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा पार्क में यहाँ लोग भरे हैं इस वक्त में, क्योंकि अब नमाज भी थोड़ी देर में होगी, इनकी नमाज जनाजा इसी जगह अदा कराई जाएगी, और उसके बाद फिर यहाँ से इनको सुंदर नगरी के कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। कुल मिलाकर के उन दो मासूम बच्चियों का बाप फैसल, जिन बच्चियों के सर से अब उनके बाप का साया उड़ गया, वो नहीं लौट के आ सकता। राजा, जो एक लौता था माँ बाप का, एक बेटा था, वो नहीं लौट के आ सकता। नदीम, जिसकी कुछ टाइम बाद शादी का भी मामला था, नहीं लौट के आ सकता। और ऐसे ही आज़म का, क्योंकि अभी तक बॉडी उसकी नहीं दी गई है, डेथ बॉडी का कल उसका पोस्टमार्टम होगा, और उसके बाद फिर आज़म को कल पोस्टमार्टम के बाद यहीं नंद नगरी C3 ब्लॉक में लाया जाएगा। आप इलाके के लोग हैं, जिम्मेदार हैं, क्या नसीहत देना चाहेंगे जो
गाड़ी अगर तेज भी चलाते हैं लड़के बच्चे उन लोगों के लिए गलत ही है सर, चलाना तेज गाड़ी चलाना तो गलत ही है। ऐसे ही अक्सर हादसों का शिकार होते हैं नौजवान जो बर्क रफ्तार से गाड़ी चला रहे होते हैं और उसके बाद फिर इस तरीके का हादसा हो जाता है। हालांकि ये टायर फटने से हुआ लेकिन स्पीड जो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं वो बता रहे हैं तेज थी गाड़ी। जी पुलिस की उसकी गाड़ी की स्पीड तेज थी, 100 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, टायर फटने से मिसबैलेंस हुआ उससे गाड़ी पलटी है। गाड़ी का टायर फटने के बाद जो रिम होता है ना रिम भी बिल्कुल जी गाड़ी का टायर फटने के बाद रिम के फोटो वगैरह जो है ना उस पर गाड़ी चली है कुछ दूर तक, मतलब टायर पूरा कट चुका फिर वो गाड़ी टायर पूरा कट चुका था जो फोटो वगैरह दिखाए हैं वीडियो वगैरह, टायर पूरा कटने के बाद रिम के ऊपर गाड़ी चली रिमाइंड होती चली गई, रिम भी जो गाड़ी का रिम था वो भी फुटबॉल की तरह फिर गाड़ी चली है कुछ दिन, मतलब कई बार पलटियां खाई है गाड़ी ने। उस वक्त में ये पांचों इसमें सवार थे, नदीम, राजा, फैसल, आजम और दिलशाद जी उसी में थे, पांचों सवार थे। टायर फटने के बाद रिम पर गाड़ी चली है, रिम पर गाड़ी भी काफी स्पीड में चली है और वो चलती भी गाड़ी चली है, पांचों सवार थे, फिर बस ने टक्कर मारी है। बचने की बहुत करी उन्होंने जी, जो मैं अपने एक मैकेनिक को करूंगा तो मैं अपने आप कार मैकेनिक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है भाईजान। हाँ जी सुरेंद्र। अच्छा ये सुरेंद्र हैं, ये भी नंद नगरी में यहीं पर ही रहते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने जब इनको पता लगा कि ये एक ही खानदान के चार अफराद यहाँ जाँ बहक हो गए इस तरीके से रुख्सत हो गए तो ये भी यहाँ इनके जनाजे में आए हुए हैं। सुरेंद्र आप बता रहे हो कार मैकेनिक हो, आपको क्या लगता है ये गाड़ी तेज स्पीड होने की वजह से या टायरों की क्वालिटी नहीं सही होने की वजह से हुआ है? नहीं सर देखिए आज की डेट में ऑलमोस्ट जितने भी कार है सारे रेडियल टायर है, नॉन ट्यूब वाले, नॉन ट्यूब वाले में अगर 50% हवा डाउन होती है तो गाड़ी इतनी जल्दी से किसी भी आउट पोजीशन में नहीं जाएगी। ये टायर के अंदर जैसे अचानक कोई चीज़ फंस जाती है तो वह एकदम डायरेक्ट जैसे टायर फटा है तो गाड़ी को इतना भी मौका नहीं मिला ड्राइवर को कि किसी तरह गाड़ी को कंट्रोल कर ले, कहीं स्टॉप कर दे गाड़ी को। गाड़ी पलटने के बाद गाड़ी ने कला एकदम से गाड़ी कलाबाजी कर, हाँ ओवरलोड गाड़ी के अंदर कार्य ओनली 800 किलो की टोटली गाड़ी होती है किविट। हाँ जी जो केविट का जो केजी है वेट जो वजन है इसका लगभग 800 से 1000 सीसी के इंजन में आती है, रेनॉल्ट कंपनी की क्यूट गाड़ी थी तो ये हल्की भी काफ़ी होती है गाड़ी, ओवरलोड इसके अंदर वजन था उसके कारण बैलेंस इसका बहुत तेजी से बिगड़ा है, अनबैलेंस होने के कारण ये हादसा हुआ है। ये कह सकते हैं इसमें चलाने वाले की कोई गलती नहीं है, कोई इसके अंदर ओवरटेकिंग का पॉइंट नहीं आ रहा, हमने पीछे से न्यूज़ देख रहे हैं तो उसमें हमें कोई ट्रक या कोई बस कोई किसी तरह का हैवी ड्यूटी वाहन हमें इसमें गलत डायरेक्शन में चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो हम तो यही कहना चाहते हैं सर। चलता हुआ नहीं आ रहा, पीछे पीछे बस ने टक्कर मारी है, जब टायर फटा है हाँ ये बता रहे हैं जो पंजाब नंबर बस है उससे पीछे जब टक्कर मार, जाहिर है जब बस पंजाब नंबर कोई बस है उसने टक्कर मारी है, मेन जो हादसा हुआ है ना गाड़ी का वो बस की टक्कर से ही हुआ है, बस की टक्कर अपनी जो मिसबैलेंस हुआ है ना डिसबैलेंस जो हुआ टायर ब्लास्ट के बाद वो तो हो जाता, लेकिन उसके बाद जो उसने टक्कर मारी है ना बस ने उससे ज्यादा बिल्कुल उसी से हुआ है। ये जो गंभीर है ये जो जनाजे हैं ये जो मेन जिम्मेदार वही है जो बस जिम्मेदार वही है जिस बस से ये हादसे हुए। अच्छा मुझे इत्तला ये भी मिल रही है कि जो बस का ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया, उसको अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है, जाहिर सी बात है हरियाणा पुलिस की ये जिम्मेदारी है, इन चारों मौतों के पीछे की जो असल सच्चाई है वो निश्चित तौर पर सामने आनी चाहिए, क्योंकि आप सोचिए ना कि चारों परिवार के इस वक्त चिराग बुझ गए और फिर इस तरीके से अचानक से ये चारों लड़के जहाँ बहक हुए, सड़क हादसा हुआ और इतना भीषण इतना दर्दनाक सड़क हादसा, वो भी जिस पंजाब नंबर की बस से हुआ उसका ड्राइवर बस छोड़कर के भाग गया और किसी तरह से तीन बॉडीज़ को यानी नदीम की, राजा की और फैसल की बॉडी को किसी तरह निकाला गया, जबकि आजम को जब अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसमें सांस बाकी था और दिलशाद को जब अस्पताल ले जाया गया जो अभी भी जेर इलाज है लेकिन आजम ने दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में, तो सोचिए तो सही ज़रा कि चार लोग एक ही इलाके के नंद नगरी के रहने वाले और वो इस तरह से ख़त्म हो गए। बस थाने में, हाँ बस थाने में, बस तो थाने में है मुझे इत्तला है इस बात की, लेकिन बस का जो ड्राइवर है वो फिलहाल फरार है। बहरहाल बहुत ही दर्दनाक ये सड़क हादसा है और पूरे इलाके के लिए, इनके जो जिनके परिवार के ये लड़के मरे हैं जिनका इंतकाल हुआ जो शहीद हुए आप सोच कर देखिए ज़रा उनके
क्या गुजर रही होगी माँ बाप के दिलों पर, बहन भाइयों के। एक की शादी हुई हुई थी, दो छोटी छोटी बच्चियाँ भी थी, फैसल जिसका मैं नाम बता रहा हूँ, जबकि नदीम, राजा और आज़म जो है अब आने वाले वक्त में घर बसाने वाले थे, शादियाँ होनी थी, लेकिन ये सब एक रिश्तेदार की शादी में से ही लौट के आ रहे थे और इस तरीके का ये वाकया पेश आया। मैं आप लोगों से पुनः इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर अपनी कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसकी फ़िटनेस वगैरह का भी ख़ास तौर से ध्यान ज़रूर रखा करें, और बर्क रफ्तार से गाड़ी दौड़ाएं, उसका कुछ नहीं जाता, गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, अगर बिगड़ता है तो सिर्फ़ इंसान का बिगड़ता है, और वही रुखसत होता है इस दुनिया फ़ानी से इस के हादसों के बाद में। एक नहीं दर्जनों हमने इस तरीके के हादसात कवर किए हैं, आप लोगों को लगातार दिखाते आए हैं। यही बस आपसे गुजारिश करते हैं और यही दुआ करते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कि ये हादसा आखिरी हादसा हो, और दिलशाद जो कि अस्पताल में है उसके लिए भी ये दुआ करते हैं, और आपसे भी अपील करते हैं कि आप भी दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। बाकी जो ये चार लोग हैं अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। आप लोग हमारे साथ इस ख़बर पर नंदनगरी इलाके से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बस अब से थोड़ी ही देर में नमाज जनाजा यहाँ अदा होगी नंदनगरी की जामा मस्जिद में, और उसके बाद फिर सुंदर नगरी कब्रिस्तान में इन्हें तदफीन की जाएगी, इन्हें मदफून किया जाएगा। थैंक यू फॉर नाउ।